जनपद बहराइच में आज हमारे साथ पुलिस अधीक्षक बहराइच प्रशांत वर्मा सर हैं। आज यहाँ पुलिस लाइन सभागार में एक पीसी की गई है जिसमें एक हत्या हुई थी, उसका खुलासा हुआ है, बहुत ही त्वरित खुलासा हुआ है। हम बात करेंगे सर से, क्या आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि नेपाल से सटा जनपद है तो तमाम चुनौतियाँ रहती हैं। हम सर से बात करेंगे क्या कुछ आगे की रणनीतियाँ हैं। सर, बहराइच में किस प्रकार से, नेपाल से सटा जनपद है, क्या रणनीतियाँ हैं, अभी आप दो दिन हुआ है चार्ज पर, सर क्या कुछ नहीं? निश्चित रूप से जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ अलग से हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें जितनी भी अन्य एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं सबके साथ समन्वय के साथ इस पर कार्य किया जाएगा, और एकीकृत रूप से जो है योजनाबद्ध रूप से यहाँ पर जो भी चुनौतियाँ सुरक्षा संबंधी हैं, जो अपराध संबंधी हैं, उनसे निपटा जाएगा। सर, और जो भी थाने हैं, जैसे नेपाल साइड में भी जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ भी थाने हैं, तमाम ऐसी चुनौतियाँ रही हैं स्वाभाविक रूप से, इसके पूर्व भी रही हैं, उसके लिए क्या कुछ आपका एक नया कुछ ऐसा प्लान देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेपाल से तमाम आवागमन ऐसे बने रहते हैं? बहुत सारे स्टैंडिंग जो प्रोसीजर हैं वो वहाँ पर जो इन प्लेस हैं उनको लागू किया जाएगा, और इस संबंध में जो भी दिशा निर्देश और जो हमें इनपुट्स मिलते रहते हैं उसके आधार पर हम लगातार एक्शन लेते रहेंगे, और इसके साथ ही जो भी अगर कहीं कुछ खामी मिलती है हमारी मतलब सुरक्षा योजना में तो उसको भी एड्रेस किया जाएगा। सर, और एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप अयोध्या से आए हैं, जनपद बहराइच में एक आमतौर पर एक समस्या जाम की, क्योंकि अभी रिंग रोड टाइप की कोई रोड ऐसी है नहीं, तो जाम की जो समस्याएं बनी रहती हैं उसके लिए क्या कुछ आपका प्लान रहेगा ट्रैफिक व्यवस्था के लिए? निश्चित रूप से जो यहाँ पर ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलाने पर विशेष जोर रहेगा, और यदि कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के संज्ञान में उस मामले को ला करके उसे हल कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत वर्मा सर थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अब कानून व्यवस्था जो है वो लगातार अब मेंटेन की जाएगी, और उसके लिए जो भी प्लान इनको लाने होंगे, जो भी प्लान सामने आएंगे उस पर ये लगातार काम करेंगे।